हेलो एवरीवन आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ट्रेडिशनल अप्रोच प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जाना मॉडर्न अप्रोच मॉडर्न अप्रोच में जाना हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कैसे डेबिट किया जाता है किसी अकाउंट को और कैसे किसी अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है तो उसमें जान लिया मॉडर्न अप्रोच में कैसे डेबिट क्रेडिट किया जाता है प्रीवियस लेक्चर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है वो देख लेना आज हम जो जानेंगे वो है ट्रेडिशनल अप्रोच मोस्ट इंपोर्टेंट अप्रोच जिससे हम फॉलो करते हैं पूरी बुक कीपिंग इसी के अकॉर्डिंग की जाती है बुक कीपिंग लेजर पोस्टिंग एंड आफ्टर फाइनल अकाउंट सब हम लोगों ने ट्रेडिशनल अप्रोच के जरिए ही बनाने हैं तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं व्हाट मीन बाय ट्रेडिशनल अकाउंटिंग ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं और कैसे उनको डेबिट एंड क्रेडिट किया जाता है तो आज मीनिंग रूल्स और अगले लेक्चर में हम जानेंगे इसकी एप्लीकेशन कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो लेट अस स्टार्ट विद टॉपिक एट फर्स्ट व्हाट मीन बाय ट्रेडिशनल अप्रोच तो भाई ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है सर बता दीजिए हाँ जी भाई ट्रेडिशनल अप्रोच को हम ब्रिटिश अप्रोच के नाम से भी जानते हैं इसी को ब्रिटिश अप्रोच या इंग्लिश अप्रोच भी बोलते हैं अंग्रेज लोग दे गए थे भाई इसलिए इसको इंग्लिश अप्रोच या फिर ब्रिटिश अप्रोच पुरानी प्रथा है इसलिए बोलती है ट्रेडिशनल अकाउंटिंग है ये पुरानी प्रथा ये ट्रेडिशनल अकाउंटिंग है ट्रेडिशन है इसी को फॉलो किया जाता है अकाउंटिंग में तो ट्रेडिशनल अप्रोच या इंग्लिश अप्रोच कहें या ब्रिटिश अप्रोच कहें ऑल आर दिस सेम मीनिंग आगे अब ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है भाई अकाउंट्स को पूरी अकाउंट्स को दो अकाउंट्स में बांट दीजिए जैसे मॉडर्न अप्रोच में बांटा था हम लोगों ने ऐसे ही ट्रेडिशनल अप्रोच में हम अकाउंट्स को कितने हिस्से मारते हैं दो टाइप के अकाउंट में मारते हैं पहला है हमारे पास पहला जो हमारे पास अकाउंट है वो है भाई पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट तो पहला अकाउंट है हमारे पास द वेरी फर्स्ट एस्पेक्ट इज पर्सनल अकाउंट पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल तो एक एक करके पहले मैं बताने वाला हूं पहले उठाने वाले हैं पर्सनल अकाउंट तो पर्सनल अकाउंट में देखिए भाई पर्सनल नेचुरल भी हो सकता है आर्टिफिशियल भी हो सकता है और रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है सबका मीनिंग बताऊंगा और इमपर्सनल में हमने बांट लिया पहला इमपर्सनल निकालकर आ गया रियल अकाउंट और दूसरा निकलकर आ गया नॉमिनल अकाउंट तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट मीनिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट कैसे हम पहचानते हैं ये अकाउंट पर्सनल अकाउंट है क्योंकि जब तक मुझे ये नहीं पता होगा ये अकाउंट है कौन सा एट फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द अकाउंट जब तक तो मुझे ये नहीं पता है ये अकाउंट भाई पर्सनल है रियल है नॉमिनल है तब तक मैं डेबिट क्रेडिट कैसे करूँगा ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि पूरी अकाउंटेंसी को आप तीन अकाउंट बांट दीजिए सर क्या क्लास प्लस वन में ही ऐसा करेंगे कि अगले आने वाली क्लास में यस yes, पूरी अकाउंटेंसी को पूरी फाइनेंशियल हमारी स्टेटमेंट्स अकाउंट्स को किसमें बांट दिया तीन अकाउंट में बांट दिया मतलब कि दो में और दो के हमारे तीन इसे कर लिए पर्सनल रियल एंड नॉमिनल इन्हीं के रूल्स अप्लाई होते हैं आज से लेके लाइफ टाइम हम लोग ये तीन ही रूल अप्लाई करेंगे पर्सनल रियल नॉमिनल तो सबसे पहले मुझे ये तो पता हो कि ये पर्सनल अकाउंट है ये रियल अकाउंट है और ये नॉमिनल अकाउंट है जब तक मुझे नहीं पता है भाई ये पर्सनल अकाउंट क्या है रियल अकाउंट क्या है नॉमिनल अकाउंट क्या है हाउ आई अप्लाई द रूल्स बिफोर टू डिस्कस द रूल्स एट फर्स्ट मीनिंग ऑफ द पर्सनल अकाउंट जानते हैं पहले भाई कि पर्सनल अकाउंट का मीनिंग क्या है एट फर्स्ट पर्सनल अकाउंट भाई जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल वो सब्सक्राइब भी कर लें अच्छा लगेगा कमेंट और लाइक भी कर दीजिए शेयर भी करेंगे बहुत अच्छा फील होता है आप आप मोटिवेट होते हैं हैं जब लोग सारे काम करते हैं। प्लीज डू सब्सक्राइब लाइक कमेंट आप लोग जब ऐसा करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि हां भाई आपको समझ आ रहा है और कैसा लेक्चर लग रहा है वो भी हमें बताते रहे तो एट फर्स्ट व्हाट मीन बाय पर्सनल अकाउंट एनी अकाउंट बिल्कुल सरल भाषा में बताऊंगा कि एनी अकाउंट कोई भी अकाउंट बिलोंग्स टू किसे भाई एनी अकाउंट दैट बिलोंग्स टू दी पर्सन बहुत सिंपल डेफिनेशन पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन कोई भी अकाउंट जो कि पर्सनल किसी पर्सन से रिलेटेड है या आर्टिफिशियल पर्सन से रिलेटेड है वो अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट कहलाता है माने की पर्सन किसे कहा गया नेचुरल पर्सनल अभी हमने जैसा जाना किसे कहा गया भाई नेचुरल पर्सन तो नेचुरल पर्सन कौन होता है सर नेचुरल पर्सन कौन हो गया सर कोई भी राम श्याम मोहन बबीता कबीता रीता नीता तुम्हारी शीला तुम्हारी मुन्नी तुम्हारी श्रेया तुम्हारी सुहानी ठीक है तुम्हारी मौसमी ये जो भी है तुम्हारा सोना तुम्हारा बाबू ये सब क्या है मेरे बाबू ने खाना खा लिया ये सब कौन है नेचुरल पर्सन में आते तो कोई भी अकाउंट दैट बिलोंग टू ह्यूमन बीइंग वो सारे के सारे अकाउंट कौन से अकाउंट कहलाएंगे नेचुरल पर्सन मतलब कि पर्सनल अकाउंट तो पर्सनल अकाउंट का पहला पार्ट हमारे पास क्या निकल का है नेचुरल पर्सन तो सर ये आर्टिफिशियल क्या होते हैं भाई सर अब समझिए आर्टिफिशियल क्या होते हैं आर्टिफिशियल मैं कहना चाहता हूं समझते रहिए आप लोग आपका बाबू सोना सब यहां आ गया अब आर्टिफिशियल भाई एनी अकाउंट दैट बिलोंग टू कोई भी अकाउंट जो किससे रिलेटेड है कोई भी फॉर्म से कंपनी से कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल से ज्यादा डिटेल में नहीं कोई भी फॉर्म या किसी भी कंपनी का अकाउंट जो आ गया वे सारे अकाउंट कौन से अकाउंट कहलाएंगे कंपनी और फॉर्म से रिलेटेड सर कोई एग्जांपल दीजिए भाई नोकिया नोकिया लूमिया सर चूमिया नहीं होता है वोडाफोन एयरटेल जियो रिलायंस पी पंजाब नेशनल बैंक ये भी तो एक सोसाइटी हो गई कोई सोसाइटी से रिलेटेड कोई बॉडी जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है वो अस्तित्व में मैंने बोला पी एन बी मैं कहाँ जा रहा हूँ पी के पास जा रहा हूँ पी बैंक में जा रहा हूँ तो भाई पी का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है नाम है सोसाइटी है कोई बॉडी है मेरा मेरा कनेक्शन मैंने बोडा फोन का कनेक्शन ले लिया भाई बोडा फोन का ले लिया रिलायंस का कनेक्शन ले लिया ये सब है, नेम तो है एक लीगल आइडेंटिफिकेशन इनकी क्या है भाई सर इनकी लीगल आइडेंटिफिकेशन है लीगल आइडेंटिफिकेशन है या जिसे लीगल इंटिटी बोलते हैं इनकी कानूनी रूप पर कोई पहचान है कानूनी पहचान है लीगल पहचान है उसी को बोलते हैं हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट तो सर एक आपने रिप्रेजेंटेटिव बताया था अब रिप्रेजेंटेटिव भी बताता हूं तीसरा पॉइंट इसमें साइड कर कर दोस्त साइड कर दिया मैंने तीसरा आप नोट बनाते जाइए नोट होते गए आपने एग्ज़ाम के टाइम पे नोट से ही पढ़ना है मेरे दोस्त सारी बातें एक एक करके ब्यूटीफुल अंदाज में बताऊँगा अकाउंटेंसी को बिल्कुल इजी अपीयर करके बताऊँगा मुश्किल नहीं है आप लोगों ने हुआ बनाया हुआ है मुश्किल नहीं होने दूंगा चाहे ऑनलाइन पढ़े चाहे ऑफलाइन माए कसम खाता है आपको आसानी से समझाएगा बिल्कुल सरलता के साथ थर्ड पॉइंट है इसी में ही पर्सनल अकाउंट को क्लासिफाई किया पहले हमने या तो वो नेचुरल किसी व्यक्ति से संबंधित हो कंपनी फॉर्म तो आर्टिफिशियल एक आ गया रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव सर ये रिप्रेजेंटेटिव क्या है ग्रुप ऑफ पर्सन किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं दिया है किसी फर्म का नाम डायरेक्टली मेंशन नहीं है ठीक है किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को किसी डायरेक्टली नेम ऑफ नेम ऑफ पर्सन ना तो नेचुरल पर्सन का नाम है ना ही आर्टिफिशियल पर्सन का नाम है नो नेम ऑफ नो नेम ऑफ नेचुरल पर्सन नो नेम ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन ना तो किसी आर्टिफिशियल पर्सन का नाम दे रखा था आपको ना ही किसी नेचुरल पर्सन का नाम दे रखा था पर मुझे पता लग रहा था ये अकाउंट किससे रिलेटेड है या तो व्यक्ति वे से रिलेटेड है या फिर वो फर्म से सर एग्जांपल आप एग्जांपल समझिए मैंने बोला डैटर भाई डैटर कौन होगा डेटर कौन होगा अब नाम ही तो नहीं दिया डेटर का तो डेटर ग्रुप ऑफ द कस्टमर। तो ये कौन हो गया क्रेडिटर्स ये कौन हो गए भाई सारे के सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बहुत ब्यूटीफुल आधे लोग इसमें गलतियां करते हैं सारे के सारे आउटस्टैंडिंग सर आउटस्टैंडिंग किसी को तो देने हैं चाहे वो फर्म को देने हैं चाहे किसी व्यक्ति को पे करने देने तो है ही कोई भी एडवांस किसी व्यक्ति को दिया होगा या किसी फर्म को दिया होगा इनडायरेक्टली वह किसी व्यक्ति को डोनेट कर रहे हैं किसी व्यक्ति का नाम बता रहे हैं भाई या फिर किसी फर्म की और इशारा कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास आउटस्टैंडिंग एडवांस सब आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव इसे बोल दिया हमने आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है ना इसको हम आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव के नाम से जानते हैं एक और बताऊ सारी की सारी लाइबिलिटीज मुझे वाली बात सारी की सारी लाइबिलिटीज आधे लोगों से पूछो उन्हें यह नहीं पता होता सारी की सारी लाइबिलिटीज कम अंडर दी पर्सनल अकाउंट आधे गलतियां तो इसमें ही करते हैं जब मैं अगला लेक्चर लेके आऊंगा प्रैक्टिकल सॉल्व कराऊंगा जिसमें मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन बताने वाला हूं और आपको ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन बताने वाला हूं तो दिस अबाउट दी मैंने जो आपको बताई पर्सनल अकाउंट क्या है पर्सनल अकाउंट के बारे में डिस्कस किया तो मैंने आपको इसके डेफिनेशन बता दी क्या भाई पर्सनल अकाउंट कौन होता है कोई भी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड अकाउंट निकल कर आ गया है ना कोई भी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड आ गया कोई भी फॉर्म से निकल कर नाम आ गया और जहां कोई नेम नहीं दिया है नो नेम डायरेक्टली पर इनडायरेक्टली मुझे पता लग रहा है ये अकाउंट किसी व्यक्ति से ही रिलेटेड है ये अकाउंट किसी व्यक्ति से ही रिलेटेड है या किसी फर्म से ही रिलेटेड है नो नैम डायरेक्टली तो मैंने बता दिया क्या अभी बताया कि हो सकते हैं डेटर हों क्रेडिटर हों यहाँ मैंने किसी कंपनी का नाम बता दिया और यहाँ पर हमारी रीता सीता का नाम आ गया अब बात करेंगे हम रियल अकाउंट क्या होते हैं ठीक है रियल अकाउंट के ऊपर चलते हैं ठीक है अब हम रियल अकाउंट की और तो रियल अकाउंट को थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्त सर ये रियल अकाउंट क्या होते हैं अभी आपको याद आ जाएगा एसेट अकाउंट को ही रियल अकाउंट कहा जाता है बस कदम डेफिनेशन एनी अकाउंट दैट बिलोंग टू एसेट कोई भी अकाउंट कोई भी अकाउंट एनी अकाउंट कोई भी अकाउंट तो सर एसेट की डेफिनेशन तो पढ़ चुके हां जी लैंड बिल्डिंग मशीनरी कैश फर्नीचर ये सब क्या है ये सब एसेट्स हैं तो सारे के सारे ऑल एसेट शुड बी कवर्ड अंडर रियल अकाउंट खत्म भाई रियल अकाउंट ओवर हो गया इतना आसान था थर्ड पॉइंट खत्म हो गए भाई खत्म पर्सनल अकाउंट में बच्चे गड़बड़ कर करते हैं तीसरा पॉइंट निकल कर आ गया मेरे पास नॉमिनल अकाउंट क्योंकि अभी रूल्स भी पढ़ने हैं नॉमिनल अकाउंट समझिए नॉमिनल अकाउंट क्या है एनी अकाउंट दैट बिलोंग्स टू द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स कोई भी अकाउंट जो किससे रिलेटेड है बिलोंग्स टू एक्सपेंसेस या तो वो खर्चे से संबंधित है या वो इनकम जहां भी खर्चा आ गया जहां भी इनकम आ गई उसी अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट कह दिया जाता है तो दिस दिस इज द मीनिंग ऑफ द ट्रेडिशनल अकाउंट्स ट्रेडिशनल अकाउंटिंग या ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है पूरे अकाउंट को तीन भाग में बांट दीजिए पर्सनल रियल नॉमिनल और पहचान करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि ट्रेडिशनल किसे कहते हैं रियल किसे कहते हैं और नॉमिनल ठीक है तो थोड़ा सा डिटेल के मैं बताता हूं आपको तो मैंने जान लिया रियल किसे कहा गया भाई रियल एसेट अकाउंट को ही कह दिया है रियल किसे कह दिया एसेट को रियल कह दिया और एक्सपेंसिस और इनकम को साथ के साथ में बताता जा रहा हूं बार बार ताकि आपको याद रहे है ना एक ही पेज पर आ गया तो एसेट को और एक्सपेंसिस को हम लोगों ने क्या बोल दिया ये हमने बोल दिया नॉमिनल अकाउंट एसेट को बोल दिया रियल अकाउंट और एक्सपेंसेस इनकम को क्या बोल दिया नॉमिनल अकाउंट रेडी आप जानते हैं रूल्स ये रूल्स आपको दिमाग में बिठा लेने हैं अगली क्लास में मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराने वाला हूं इसके यार भाई मजा आने वाला अगली क्लास में टेंशन मत लीजिए तो इन्हें बोलते हैं गोल्डन रूल्स तो रूल्स ऑफ ट्रेडिशनल अकाउंट्स या फिर कहते हैं गोल्डन रूल्स या फिर कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट सिद्धांत ऑफ द अकाउंट क्या क्या सिद्धांत हैं नियम बोलते हैं जैसे सिद्धांत सिद्धांत या फिर बोलेंगे हम नियम ऑफ अकाउंट तो क्या क्या नियम है अकाउंट्स के ऑब्वियसली कितने अकाउंट्स पढ़े सर हम लोगों ने पढ़ा पर्सनल अकाउंट पहला अकाउंट कौन सा पढ़ा पर्सनल अकाउंट पर्सनल अकाउंट की पहचान जान ली कि कोई भी पर्सन कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन उसे हम पर्सनल तो हम बात कर रहे हैं कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट या फिर हम बात कर रहे हैं जिससे हम बोलते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट किसके बारे में बात हो रही है कि कैसे किस अकाउंट को डेबिट करना है कैसे किस अकाउंट को क्रेडिट करना है मुद्दा तो यही चल रहा था मुझे मॉडर्न में पता लग गया कैसे डेबिट करना है कैसे क्रेडिट करना है आप हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में कैसे डेबिट करना है मैंने यह तो पहचान लिया कि यह अकाउंट पर्सनल अकाउंट है तो कब उसे डेबिट करना है और कब उसे क्रेडिट करना है तो देखिए डेबिट इज अ रिसीवर अगर पर्सनल अकाउंट रिसीवर हो तो उसे डेबिट कर देते हैं न्यूमेरिकल अगली क्लास में कराऊंगा क्रेडिट इज अवर क्रेडिट इज अवर क्रेडिट इज डेबिट इज रिसीवर क्रेडिट इज अवर यह हमारा पहला नियम डोंट वरी अगले क्लास में आई शेल टेल यू इच एन एवरीथिंग न्यूमेरिकल आपने अच्छे से दिमाग में बिठा ले नहीं है अगले क्लास में न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं रियल अकाउंट तो रियल अकाउंट क्या है भाई एसेट अकाउंट को कहा गया है तो यह क्या नियम बोलता है कहते हैं डेबिट वर्ड्स कम जीव एसेट आ रही हो तो डेबिड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट Asit जा रही हो तो क्रेडिट पर्सनल अकाउंट में क्या बोला अगर पैसे मिल रहे हो गीवर हो तो उसको क्या कर देना है क्रेडिट कर देना है अगर उसको पैसे दे रहे हो व्यक्ति क्या हो पर्सनल अकाउंट पहचान लिया पर्सन अगर रिसीवर है तो डेबिट कर देना पर्सन अगर गीवर है वो पैसे दे रहा हो हमें तो उसे क्या कर देंगे क्रेडिट ऐसे ही रियल अकाउंट जान लिया तो रियल अकाउंट क्या कहता है एसेट अकाउंट तो एसेट अकाउंट क्या कहता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन अगर एसेट आई तो डेबिट एसेट गई तो क्रेडिट तीसरा नियम क्या है सर तीसरा था नॉमिनल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड था सर नॉमिनल अकाउंट खर्चे और इनकम्स रिलेटेड था तो खर्चे और इनकम से तो सीधा सीधा नियम है डेबिट ऑल एक्सपेंसिस सारे के सारे खर्चे डेबिट क्रेडिट ऑल इनकम अगर इनकम्स हैं ऑल वुड बी क्रेडिट सारी इनकम क्रेडिट करते नहीं है सारे खर्चे डेबिट करते नहीं है इसी नियम पर ये आधारित नॉमिनल अकाउंट है आई होप कि सभी को समझ आई है बात फिर से देख लीजिए पर्सनल अकाउंट क्या कहता है डेबिट इज अ रिसीवर क्रेडिट इज अ गिवर पहले सबसे पहला काम क्या करना है सबसे पहला काम मुझे आइडेंटिफाई करना है अकाउंट कौन सा है पर्सनल है रियल है नॉमिनल है मुझे पहचान हो गई पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट का नियम अप्लाई कर देना है रियल अकाउंट है तो रियल का नियम अप्लाई कर देना है और नॉमिनल है तो नॉमिनल का नियम अप्लाई कर देना है, है, तो, है प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू ये अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए अगली क्लास में वी शेल्ड डिस्कस दी न्यूमेरिकल पोर्शन ऑन दिस मैं आपको बताऊंगा कैसे अप्लाई किए जाते हैं ये रूल्स आई होप सभी को समझ आया होगा थैंक यू वेरी मच टेक केयर